जाए, सिंपैथी वोट्स आगामी चुनावों में मिल जाए, इस पूरे कदम के क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत हद तक पावर छीन ही ली है ना, अब क्या यहां पर नाखून काटकर शहीद का दर्जा प्राप्त करने का प्रयास किया गया? सर आपकी आवाज यहां पर नहीं आ रही है, आपकी आवाज को हम चारू प्रज्ञा जी आपसे यही सवाल मैं दोहराना चाहूंगी, क्या कुछ इसके मायने हैं? दूसरा, अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि अगर गैर बीजेपी शासित राज्यों में आपके ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर अगर फर्जी केस लगाए जाते हैं तो अपने पद से इस्तीफा आपको नहीं देना है किसी प्रेशर में, लेकिन अरविंद केजरीवाल दो दिन बाद जेल से आने के दो दिन बाद इस्तीफा दे देते हैं, इसके क्या मायने निकाले जाए, क्या समझे? प्रियंका जी देखिए, बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक मुख्यमंत्री अरेस्ट हुए हैं, लेकिन ये तो वापस से रिकॉर्ड कायम करा है अरविंद केजरीवाल ने कि अरेस्ट होने के समय भी इस्तीफा नहीं दिया। अरे ये गलत बात है, चाहे लालू प्रसाद यादव हो या हेमंत सोरेन हो, इस देश में पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं। इतनी बेशर्मी से जेल के अंदर बैठ के आप अपने पोस्टर छाप रहे हो कि मैं जेल गया हूँ, इनके लिए ये गर्व की बात है कि ये जेल गए हैं। अच्छा, अपनी तुलना ये आज सीता मैया से कर रहे हैं? कौन सी अग्नि परीक्षा की आप बात कर रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक आपको इस केस से रिहा नहीं करा है, अभी तक आप रिहा नहीं हुए हो, अभी तो ट्रायल चलेगा, कंडीशनल बेल मिली है, बेल पर आकर चारों के जब मेरी बात को समझिए, यहां पे अरविंद केजरीवाल अभी खुद ही कह रहे थे इस्तीफा दो दिन बाद, अभी अरविंद केजरीवाल खुद ही कह रहे थे कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में अगर मुख्यमंत्रियों को फंसाया जाता है, फर्जी केस लगाया जाता है, जेल में डाला जाता है तो इस्तीफा नहीं देना, लेकिन दो दिन बाद खुद ही इस्तीफा दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मतलब ये तो एक विरोधाभास हो गया बयानों में। नहीं, ये तो देखिए अरविंद केजरीवाल की खासियत है कि ये यूटर्न के मास्टर हैं। पहले तो कहते थे मैं राजनीति में ही नहीं आऊंगा, फिर ये कहते थे मैं राम मंदिर नहीं जाऊंगा, दावे के साथ तो ये लोकसभा चुनाव के प्रचार में भी उतरे थे, तो नतीजा इनके सामने है, जीरो सीट मिली है इनको, और जीरो सीट्स का मतलब आप समझती हैं कि जनता ने ये सारी कहानियां इनकी सुन चुकी है और सुनने के बाद नकारा है, जनता ने ये सारे भाषण सुन चुके हैं और उसके बाद इनको झूठा ठहराया है, तो ये बात तो आज वापस से सिद्ध होती है। अच्छा मैं पूछती हूँ केजरीवाल जी, दो दिन के बाद क्यों इस्तीफा देंगे? दो दिन आप क्या करना चाहते हैं ये भी तो बता दीजिए, दो दिन में आपको क्या करना है? ये तो ममता बनर्जी जैसी बातें कर रहे हैं। क्यों वरुण पुरोहित जी, क्या लग रहा है? अब दो दिन तक वो कह रहे हैं मंथन होगा, विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद हम तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री है, जनता की अदालत में हम जाएंगे। अब जनता के बीच जाएंगे तो लाजमी सिंपैथी तो मिलेगी, जनता तो समझेगी ना कि भाई आप मुख्यमंत्री थे और अपने पद से आपने इस्तीफा दे दिया। अब जनता को ये कौन समझाए कि आप भले ही जेल से बाहर आ गए लेकिन मुख्यमंत्री की पावर आपके पास नहीं थी? देखिए प्रियंका जी, जनता तो समझी समझाई है, जनता सब समझती है, जैसे दिल्ली में लोकल लेवल पे केजरीवाल को जिताया, लोकसभा में नहीं जिताया, तो लेकिन राजनीति करना है, वो आंदोलन जिस आंदोलन से उपज के आए थे पार्टी, इनके लिए नेता बने थे, वो एथिक्स मोरालिटी तो कहीं दिख नहीं रही है, लेकिन पॉलिटिक्स में आए पॉलिटिक्स का कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाएंगे ना। उन्होंने देखिए एथिक्स और मोरालिटी की बात अगर राजनीति में करें तो थोड़ा सा लाजमी नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मास्टर स्ट्रोक तो फेंक दिया उन्होंने और सभी कार्यकर्ताओं में आम आदमी पार्टी की एक अलग सी जान आ गई है। वो आपने देखा कि कैसे सब चीख रहे थे कि नहीं नहीं आप मत दीजिए इस्तीफा। तो ये मैंने कहा ना, यही तो पॉलिटिक्स होती है, आप अपनी पार्टी को एकजुट रख सको, उनमें जोश का संचार कर सको, तो ये राजनीति का ही अपना एक पैंतरा होता है जो केजरीवाल ने खेला है। अब क्योंकि उनको पता है कुछ महीने बाद दिल्ली के चुनाव है, तो चुनाव में अपनी इमेज को सुधारा जाए, वापस पकड़ करी जाए और वापस जीत हासिल की जाए। जहां तक आपने हरियाणा का प्रश्न किया, तो हरियाणा में तो इसको कोई इम्पैक्ट पड़ना नहीं है, लेकिन दिल्ली में तो इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी पार्टी को अगर मजबूती मिलेगी, और किसको अपनी जगह कुर्सी पे बैठाते हैं उसका भी फर्क पड़ेगा, किसको बैठाते हैं, क्या करते हैं, अपनी पार्टी का रिस्ट्रिक्शन करते हैं नहीं करते हैं, तो उनका सारा जो निशाना है, उनका निशाना प्रियंका जी आने वाले चुनाव पर है, विधानसभा चुनाव। चारू प्रज्ञा जी, बार बार ये कहा जा रहा है आने वाले चुनावों को लेते हुए ये कदम उठाया है, जेल से अभी दो दिन पहले आए थे, पार्टी के नेताओं के साथ बैठे होंगे, मंथन किया होगा, फेस सेविंग, ताकि अपनी जो धूमिल छवि हो गई थी उसको एकदम निखारा जा सके, एकदम ये दिखाया जाए कि चमकता हुआ ईमानदारी वाला चेहरा है। आपको लगता है इससे फायदा होगा आम आदमी पार्टी को चुनावों में? दिल्ली की जनता ने अभी कुछ महीने पहले ही वोट डाला है और उन वोट में आम आदमी पार्टी को नकारा है, अरविंद केजरीवाल शायद ये बात भूल चुके हैं। एक बात और है, अपनी तुलना बार बार
भगत सिंह जी से करना, ऐसे गलत काम करके शराब घोटाले में आप अपनी तुलना मां सीता से भी तो कर रहे हैं, अपनी तुलना कह रहे हैं, मेरा भी अग्नि परीक्षा का वक्त आ गया का नाम लेना। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कौन सी जी एक मैसेज ही दे दिया बस, ये सवाल छोटा सा कि बीजेपी जो लगातार प्रेशर बना रही थी कि आप जेल के भीतर गए, इस्तीफा दो, नैतिकता की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दो नैतिकता के आधार पर, तब नहीं दिया उन्होंने, ये बता दिया कि बीजेपी के प्रेशर पर इस्तीफा नहीं दूंगा, हाँ जेल से बाहर आ गया अपने मन से मैं इस्तीफा दे सकता हूँ, जनता के लिए इस्तीफा दे सकता हूँ। प्रियंका जी देखिए, बीजेपी के प्रेशर की बात ही नहीं है, जो सीएम 6 महीने से जेल के पीछे हो, नैतिकता तब कहती थी कि आप इस्तीफा देके जेल के अंदर जाएं, हर दिन जब दिल्ली एक नए मसले में परेशान हो रही थी नैतिकता तब कहती थी आप इस्तीफा दे दे, अरे बाहर आके भी आप बयानबाजी कर रहे हैं, इस्तीफा तो अभी भी नहीं दिया ना, अभी भी आप ही कह रहे हो 2 दिन के बाद दूंगा, तो ये तो सारा ट्रंप तमाशा ही है, कौन सा इस्तीफा इन्होंने अब भी दे दिया, तो इनके तमाशे अब दिल्ली की जनता को समझ आने लग गए हैं, सबको पता है। और जिस तरीके से राघव चड्ढा भी बयानबाजी कर रहे हैं, बोल रहे हैं अग्नि परीक्षा का समर्थन कर रहे हैं, ये अग्नि परीक्षा खुद बोल रहे हैं, कौन सी अग्नि परीक्षा आपने दे दी, शराब घोटाले का अभी कोई सुलझावा हुआ नहीं है। ठीक है वरुण पुरोहित जी, आपसे समझना चाहेंगे, अग्नि परीक्षा का बार बार जिक्र अरविंद केजरीवाल ने कहा है, शहीद भगत सिंह से अपनी कई बार तुलना करते हैं, मां सीता से अपनी तुलना करते हैं, अब अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान भी कर दिया है, तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं कथित शराब घोटाले के भीतर जेल में सजा काट कर आए हैं, उसके बाद आप अग्नि परीक्षा जो कह रहे हैं इसके क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि जनता तो भोली भाली है ना। नहीं जाती जब अलायंस के साथ अपनी अग्नि परीक्षा में खड़े उतरते, आप देखिए हरियाणा में भी उन्होंने अलायंस को ठोकर मार दी, अपनी चतुराई करते हैं, पॉलिटिक्स की चतुराई, पॉलिटिकल चतुराई में इसको कहूंगा, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो रही दिल्ली से बाहर उनकी, उनको हरियाणा में अलायंस की ऑफर करी आगे होके राहुल गांधी ने, जबकि वेव तो कांग्रेस पार्टी की चल रही, उसकी कांग्रेस ने इतना साथ दिया जेल जाने के बाद इनकी मीटिंगों में भी शामिल हुए सब हुए, पर वो उस अग्नि परीक्षा में पास नहीं हुए अभी, तो कुल मिलाकर के मैंने आपको कहा उनका उनके समझ में आ गई भाई कुछ महीनों बाद चुनाव है, तो जो अपनी छवि को सुधार किया जाए, और बाई चांस अगर कन्विक्शन हो जाए इनका आने वाले समय में, कन्विक्शन हो जाए चुनाव से पहले, तो उसकी भी तैयारी करी होगी आगामी, मान लीजिए कन्विक्शन हो जाता है शराब घोटाले में, ठीक तो है। पहले से अपने आप को नैतिक और मॉरलिटी नैतिकता दिखाने का प्रयास किया गया, और अगर एविक्शन हो जाएगा, अरुण पुरोहित जी आप महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन एक बार संजय मिश्रा जी के पास चलते हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। संजय मिश्रा जी देखिए, बीजेपी ममता काले भी हमारे साथ जुड़ गई है, लेकिन संजय मिश्रा जी बीजेपी बार बार ये कह रही थी कि हरियाणा में भी हिमाचल प्रदेश वाला हाल ना हो जाए, अगर कांग्रेस को मौका दिया मुफ्त की चीजों के चलते यहाँ पर आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी और उस शिगुफे में नहीं फंसना, लेकिन वहां कांग्रेस को पछाड़ते हुए आम आदमी पार्टी यहाँ पर आपको क्या लगता है कि बढ़त बना रही है, जो इस्तीफे का आज ऐलान कर दिया है, एक नया दांव चल दिया है।